अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास संधू और मैं पाक राइटिंग चैनल की जानिब से आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, व्हाट्सएप की बहुत ही अच्छी अपडेट आ चुकी है। व्हाट्सएप ने बीटा वर्जन इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए जबरदस्त फीचर मुतारफ कराने की तैयारी शुरू कर दी है। डब्ल्यू ए बीटो इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप ने पुराने पैगाम या चैट खुद ब खुद खत्म होने के साथ साथ अब तस्वीर और वीडियो खत्म करने के फीचर पर भी काम शुरू कर दिया है। कामयाब आजमाइश के बाद सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मैसेज और डिस्ट्रक्टिव वीडियो एंड फोटो फीचर्स की सहूलत आम सार्फिन के लिए भी दस्तियाब होगी। फ्रेंड्स, इस फीचर के तहत पुराने मैसेजेस और मीडिया खुद ब खुद डिलीट हो जाया करेंगे। सार्फ के पास इख्तियार होगा कि वो ये फीचर अपनी मर्जी से इस्तेमाल करे या ना करे। सार्फ जब इस फीचर को इनेबल करेगा तो उसके बाद मौसूल होने वाली तस्वीर और वीडियो चैट देखने के बाद खुद ब खुद ही गैप हो जाया करेंगे। फ्रेंड्स, डब्ल्यू ए बीटा इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक पैगाम और तस्वीर 24 घंटे के बाद खुद ब खुद ट्रीम हो जाया करेंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा व्हाट्सएप बीटा वर्जन 2.20.201.4 इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए ऑडियो और वीडियो कॉलिंग फीचर का एक ही बटन मुतारफ कराया गया है। जब सार्फ चैट विंडो खोलेगा तो ऊपर एक फोन के साथ प्लस नजर आएगा, जिस पर कॉलिंग करें तो ऑडियो और वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन नजर आएगा। सार्फ उनमें से जिसका भी इंतखाब करेगा वो कॉल मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल पाक राइटर्स को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।